अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज डे टू है और ये चोरिस्तान के ट्रिप का सफ़र है सारा। रात हम लोग करीब मतलब 12 के बाद टाइम था हम लोग जब भावलपुर में पहुँचे, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया। ये एक बाइकर भाई हैं जिन्होंने, ये जगह है जमील भाई, TM जमील भाई, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया और रात को आराम किया, रेस्ट किया। अभी उठे हैं, रेडी हुए हैं, ब्रेकफास्ट किया है और अभी हम लोग निकल रहे हैं। हम चोरिस्तान के लिए निकल रहे थे बट एक जो जगह है नेचुरल, एक फॉरेस्ट है तो लाल सोना है इस तरह का नाम है। तो अब सोच रहे हैं कि वहाँ पे चले जाएँ, कोई 35 किलोमीटर है यहाँ से, और उसके बाद फिर वहाँ से फिर चोरिस्तान की तरफ निकलेंगे। तो ये भाई साहब के कलेक्शन में से एक चीज़ में आपको, ओल्ड इज गोल्ड वेस्पा, तो चलते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह। तो हम लोग तैयार हो गए, तैयार थे, अब निकल रहे हैं। ये जगह है जो इन्होंने कोई शेड बनाए हुए हैं, कोई परिंदे वगैरह भी रखे हुए हैं। रिटायर्ड हैं और बाइकर हैं, एक सीनियर बाइकर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने हमारी बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की। और अब मैं माजिद भाई को बिठा लूँ, मेरे साथ डबल पे ये है ना। अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत शुक्रिया। बह गया मामा। चलो जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब यहाँ से हम लोग, ये चूँकि कोई सोसाइटी टाइप है, यहाँ से हम लोग पहले तो हाईवे पे पहुँचेंगे। हासिलपुर वाला रोड है, अगर तो भावलपुर से देखें तो करीब 35 किलोमीटर पड़ता है। ये सारा एरिया में ख़ाल में अंडर कंस्ट्रक्शन है, सामने यूनिवर्सिटी भी है। तो ये चूँकि थोड़ा सा आगे है इनकी रिहाइश, तो ये हमें पड़ा करीब 28 किलोमीटर, जो गूगल हमें बता रहा है। तो गूगल ही हमें अब लेके जाएगा ये हासनपुर रोड। काफ़ी खूबसूरत रोड लग रहा है। अभी हमारा सबसे पहले एक काम है जो मैं कल पे बता रहा था, पेट्रोल का इशू चल रहा है। तो अब यहाँ पर भी यही हालत होगी, हमने जब लास्ट टाइम डलवाया था तो उसके बाद आगे आगे करते करते हम यहाँ पर पहुँच गए, तो टैंक आधे से भी कम है। तो अब जाहिर है पेट्रोल ज़्यादा आएगा, मिनिमम 1000-1500 का तो डालना पड़ेगा। लेकिन अब देखते हैं कि 1 लीटर डालते हैं, 500 डालते हैं, तो आगे जो पहला पंप आएगा, पहला पंप और पहला काम यही है कि हम लोगों ने पेट्रोल डलवाना है और सीधा सफ़र करना है। रोड इंतहाई खूबसूरत लग रहा है और पता नहीं हमारी तरफ क्यों इस तरह के रोड नहीं बनते पूरे, जितना भी हमारे सूबे में मुझे इस तरह के रोड नज़र नहीं आते। ड्यूअल है, बड़ा खूबसूरत और खुला रोड है। हमारे यहाँ तो इतने तंग रोड हैं जो हमारे अपने शहर के जो हाईवेज़ हैं करीब हैं वो भी कुछ थे, कुछ ऊपर से दुकानदारों ने मज़ीद उनको तंग कर दिया। तो ये बड़ा अजीब सा यहाँ पे भावलपुर में इन्वायरमेंट है। आपको कहीं पे ग्रीन लगेगा, कहीं पे अचानक डेजर्ट किस्म का फील आएगी, तो इस तरह का मिक्स है। भावलपुर बहुत अच्छी जगह है, नवाबों की सरजमीन है और यहाँ पे जो ज़बान सराइकी बोली जाती है ज़्यादा, सराइकी भी इनकी तकरीबन हमारे जो शहर है डेर अजमेर खान उसके साथ तकरीबन मैच करती है। थोड़े कुछ अल्फाज का फ़र्क है लेकिन ओवरऑल वो मैच करती है।
तो ये हम लाल सोना के रोड पर आ गए, यानी आने वाले हैं। अच्छा, इस तरह है कि जब आप भावलपुर से हासिलपुर के रोड पे जा रहे होते हैं तो जब ये जगह आती है तो एक जो सेंटर मीडिया उस पर आपको बोर्ड नज़र आएगा लाल सोहाना वाला, तो आपने वहाँ से राइट साइड पे टर्न लेना, यानी अगर आप भावलपुर से हासिलपुर की तरफ जा रहे हैं तो ये आपका राइट साइड बनेगा। फाटक भी है, यानी ट्रेन भी गुजरती है यहाँ से। तो अगर आप वहाँ से आ रहे हैं, यानी हासिलपुर से आ रहे हैं, तो आपका लेफ्ट साइड बनेगा। हम थोड़ा सा गलत हो गए थे तो आगे चले गए, तो यू टर्न लेके दोबारा इस रोड पे आ गए। दूसरी बात यह है जनाब कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चारपाई वाला होटल देखा तो हमारा दिल कर लिया कि हो सकता है आगे लाल सोहाना में कोई कैंटीन ना हो, या वो तावीज़ वाली चाय यानी टी बैग वाली चाय मिले, तो उससे बेहतर है कि हम लोग यहाँ पे एक मस्त कड़क सी चाय पीते चले जाएं। तो हम तो सफ़र भाई मज़े मज़े से करते हैं, हमें कोई इस तरह की जल्दी नहीं है कि हम मतलब जिस तरह रेस होती है कि जी मैं बहुत जल्दी पहले पहुँचूँ, फलां बंदा तो 15 मिनट में पहुँचा है तो मैं 5 मिनट में पहुँच जाऊँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। हम बड़े मज़े से सफ़र करते हैं और इन्जॉय करते हुए जाते हैं। तो आगे जो हम विज़िट करेंगे वो भी हम इंशाल्लाह इंजॉय करते हुए जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग चाय के लिए रुक गए, थोड़ी सी गपशप पी होकर कड़क सी चाय हमने पी और चाय का वाकई मज़ा आया उसमें। अच्छा, बड़े मज़े की बात यह है कि लाल सोहाना हमारे प्लान में शामिल ही नहीं था। जब हम फाइनल मीटिंग कर रहे थे तो उस पर जब हम गूगल मैप और डिस्टेंस वगैरह देखते हैं तो उस पर मैंने गूगल अर्थ पे देखा तो एक बहुत बड़ा एरिया ग्रीन था। तो हमने ये प्लान कर लिया कि यानी पहले रिसर्च की फिर हमने प्लान कर लिया कि हम इसको भी शामिल करते हैं, तो हमने कर लिया। तो प्लान इस तरह चेंज भी हो जाते हैं, बल्कि सफ़र के दौरान ट्रैवल के दौरान भी चेंज हो जाते हैं। गूगल मैप की मिसाल इस तरह है जिस तरह एक ऊँट होता है और उसका एक उसकी मुहार किसी के हाथ में होती है, तो वो उसको जिधर ले जाता है वो उधर ही चला जाता है। तो अब जिधर जिधर हमें निशान मिलता चला जाता है और हम उधर ही उधर चले जाते हैं। पहले भी मैं ये कल बात बता रहा था कि इसकी वजह से हमें आधे रास्ते याद नहीं होते, बस जी लाइन चल रही है, तीर का निशान चल रहा है, हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे इसकी पार्किंग इस टाइप की है, अब ये देखते हैं, पार्किंग तो है बड़ी सारी, काफ़ी बड़ी जगह है। यहाँ पे वो मिल जाए पर्ची वाला सिस्टम होना ज़रूरी है, अक्सर नहीं होता फिर वो बड़ा इशू होता है भाई, किसके सहारे किसके भरोसे बाइक चलाएं। फिर से अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन कोई एक घंटा में लग गया तो रास्ते में एक जगह पे रुके, टाइम ज़्यादा इस वजह से हमें लगा इन दिनों पेट्रोल का इशू है तो आपको एक लीटर मतलब, या आप उसको सिफारिश करें कि यार मैं मेहमान हूँ दूर से आया हूँ, तो आपको 500 का डाल देते थे। तो इसीलिए ना, तो हमारे रात जब पहुँचे हैं तो टैंक खाली हो चुके थे, तो रात को इस तरह का इशू हुआ। तो अभी हम साथ साथ जिस तरह पेट्रोल पंप आते गए तो हम इनका पेट्रोल डलवाते गए, एक और फिर मतलब 500 का, फिर 500 का, कहीं पर एक लीटर, इस तरह से हमने कुछ ना कुछ अपना काम चला लिया। तो ये जी है लाल सोहाना नेशनल पार्क, आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा, वेलकम। स्टार्टेड ड्यूरिंग 1972, टोटल एरिया प्लांटेशन एरिया कितना है जी, TDCP मॉडल। तो पार्किंग यहाँ पे एट योर ओन रिस्क है, मतलब यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, तो आपको अल्लाह के भरोसे पे छोड़ के जाना होता है। ये एंट्री है मेन, और गाइड मैप ऑफ चिल्ड्रन मैप, तो ये ग्रॉसरी प्लाट, ये वो वगैरह 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 सारा कुछ जो कुछ भी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसको पास कर लें यहाँ पर क्योंकि मैं मूव करने लगा हूँ। वेलकम टू लाल सोहाना नेशनल पार्क मैन एंड अस्सलामुअलैकुम। एक फर्द एक पौधा, क्योंकि ये है जिंदगी का सौदा। ये बहुत अच्छी बात लिखी हुई है यहाँ पे,
लेकिन आप पौधे कहाँ से लेके हमने लगाने हैं ये नहीं पता। मुझे तो इसे देख के क्या नाम है उसका, वो कौन सा था, छांगा मांगा याद आ गया। ये इसके ट्रैक्स हैं, एक कच्चा ट्रैक जा रहा है और ये है जी मेन गैजेट्स हॉर्स राइड कैंटीन बोर्डिंग। अच्छा, ये जब आप लोग मेन ट्रैक से आते हैं तो सबसे पहले चार रास्ते यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, चार रास्ते, ठीक है जी। तो इसमें हम ये कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर ये देखें जी मैप, अब चार रास्तों में ये है जी, लेफ्ट साइड पे मस्जिद नर्सरी वॉशरूम, राइट साइड पर ऑफिस DFO मिनी ज़ू कश्ती झील और चिंगारा हिरन, ठीक है जी। एंड बिल्कुल सीधे जब हम जाएंगे कैंटीन झूले प्लेग्राउंड, ठीक है जी। और अब कहते हैं कि दायां जो होता है वो सही होता है, तो हम सबसे पहले ट्रैक का दायां रास्ता इस्तेमाल करेंगे, ये वाला। तो इस पे जी कश्ती झील है, मिनी ज़ू है, ऑफिस है, ऑफिस को तो हमने करना कुछ नहीं है, और कुछ हिरन मिरन है पता नहीं, अगर कोई बचे हुए हो तो। नहीं, हिरन होंगे, मिरन नहीं होंगे। तो जी हम पहुंचे राइट साइड पे, तो अब ये जी हैं कुछ परिंदे वगैरह रखे हुए हैं, क्या जी कबूतर है, फाख्ता है, और ये पार्क आपका अपना है, ठीक है जी। सफाई निस्फीमान है बिल्कुल, इस्तेमाल शुदा अशिया कूड़ेदान में डालें। अब ये इस तरह ये जा रहे हैं, ये परिंदे वगैरह रखे हुए हैं, और ये लेफ्ट साइड पे ये लेक किस्म की बनी हुई है। तो हम अब फिर वही काम करेंगे कि फिर हम इसको राइट साइड पे आ जाएंगे, यानी राइट पे आके फिर हमने राइट, तो ये बना हमारा बोट वाली साइड। और ये बिल्कुल इतराफ में मेरे ख्याल में पानी है, जिस तरह छांगा मांगा में था, इस तरह एक आइलैंड होता है। और ये बोट राफ्टिंग, आ जाओ भाई, ठीक है जी। अब चलते हैं हम लेफ्ट साइड पे। जंगल में मोर ना देखा, ओए मोन ते कर, उनू फिर क्यों है मुंह पर मोर, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। वाह जी वाह, माशाल्लाह। अच्छा ये मैं आपको बता रहा था, ये इस तरह सारे मोर और मतलब परिंदे, पाइड मोर और पता नहीं कौन कौन से हैं। अब ये जी काले कंधे वाला मोर, बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये जी गेंडे का घर, बल्कि गेंडे की सल्तनत, गेंडा इलाकाई तकसीम मिटा हुआ है। खुराक गा सब्जा वगैरह, गन्ना और तरबूज शौक से खाते हैं। अच्छा, आदत अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है, दलदल में लोट पोट होना इसका पसंदीदा मशगला है।
सही है जी, ठीक है। तकरीबन 2000 किलोग्राम। लेकिन अभी मसला ये है कि कहीं पर भी ये नज़र नहीं आ रहा, बहुत सारा एरिया है। अब अंदर जाके तो इसको ढूंढ नहीं सकते, लेकिन ये देखें काफ़ी बड़ा एरिया है इसका। यहाँ पे ये एक स्विमिंग पूल किस्म का बना हुआ है, जो मकामी बंदे वो कह रहे थे कि इसमें है, लेकिन इसमें कैसे है पता नहीं, सर तो उसका नज़र आता, यह पता नहीं कहाँ पे है। ये देखें काफ़ी सारा एरिया है। अब ड्रोन तो मेरे पास है नहीं, नहीं तो उसको तलाश कर लेते। चलो जहाँ पर भी हो खुश रहो। तो ये गेंडे की सरहद है राइट साइड पे, और ये ट्रैक जा रहा है। ये पुराना सीडी कभी हमारे घर हुआ करता था। अच्छा ये जी चिंगारा हिरन, इलाकाई तकसीम चोरिस्तान थरपारकर काला चीटा पहाड़ी सिलसिला। ये आप अगर पढ़ना चाहें तो इसे पास करके पढ़ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कैसे हैं? ठीक हैं, तबीयत अच्छी है माशाल्लाह। तो ये देखें बच्चे और सारे माशाल्लाह काफ़ी सारा वो है। ये हमें उन्होंने अंदर, और ये हम अब अंदर बंद हो गए। अब ऐसा ना हो इनके शिकार के लिए कहीं से शेर निकल आए। ये यार ये हैं छोटे से या मतलब बच्चे हैं? ये नहीं छोटे से, अच्छा नस्ल होती इतनी है। अच्छा मीठे मीठे कितने प्यारे हैं यार, बकरी के साइज का होता है ये। ये देखें ये नीचे रेत और ये ब्यूटीफुल। ये उस एरिया के अंदर हम आए हुए हैं। एरिया सारी यहाँ पे माशाल्लाह चिंगारा वो देखें काफ़ी सारे चिंगारा हिरन छोटे। पहले समझ रहा था कि बच्चे हैं, लेकिन इनकी जो वो है हाइट है इतनी। अस्सलाम वालेकुम हरियात जी, तो है इतनी। तो ये इंचार्ज हैं यहाँ पे, केयरटेकर भी हैं। अब ये फिर वो चौक है जहाँ से मैंने आपको मैप दिखाया था। कैंटीन झूले और प्लेग्राउंड, बड़ी पुरसकून और मज़े की जगह है, ठंडी जगह है। हमारे यहाँ तो इस तरह के कोई पार्क्स हैं नहीं। जो दरख्त हैं वो भी काटते चले जा रहे हैं सब। वेलकम बैक। और हमने देख लिया सारा लाल सोहाना जो नेशनल पार्क है,
पार्किंग पर दोबारा आ चुके हैं। किधर है किधर है किधर है किधर है वो उधर आके खड़े हैं, मेरे बाइक सामान वगैरह वहाँ पे खड़ा है। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ पर आने के लिए आपके पास वक्त होना चाहिए। ये अब्दुल माजिद भाई ने चाचा जी से चने लिए हैं जो बहुत अच्छे हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, तबीयत अच्छी है? खैरियत है? तो अच्छा, मुझे भी नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरी गाड़ी है, हालांकि बिल्कुल लग रहा है। बात तो वही हो गई। ये जी हमारे बाइक्स,